हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस पाइथन के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी यूज़र से प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट को आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको कहीं से डेटा कलेक्शन करना है या ऑनलाइन कोई सर्वे करना है तो ऐसे टाइम पर हमें जो है यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। तो देखते हैं कि कैसे हम जो है पाइथन के अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे। सबसे पहले तो मैं एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ प्रोग्राम के लिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट के नाम से ही सेव कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को इनपुट के नाम से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मेरे को इसमें लिखना है प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमें यूज़र से उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर और उसकी एज प्रिंट करवानी है, यानी उससे इनपुट लेना है, फिर उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ नेम नाम का वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देते हैं और उससे इनपुट लेंगे। उससे हम पहले पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। आपने यहाँ यूज़र से पूछा कि उसका नाम क्या है। ठीक है, अब हमें इनपुट में चाहिए उसका मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे मोबाइल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ MOB, और मैं यहाँ पे इनपुट में लूँगा उसका यूज़र का जो है मोबाइल नंबर। तो मैं अब यहाँ उससे पूछता हूँ एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने उससे अब मोबाइल नंबर यहाँ पूछ लिया। अब मुझे उसकी एज पूछनी है, तो सिंपली यही चीज़ करनी है मेरे को। लिखूँगा सिंपली यहाँ पे इनपुट, क्योंकि इनपुट में चाहिए मेरे को, मेरे को क्या चाहिए, उसका एज चाहिए। तो यहाँ मैं पूछूँगा व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसका एज पूछ लिया। अब मुझे क्या करना है, अगर वो यूज़र इनपुट में अपना नेम एंटर करता है, मोबाइल नंबर एंटर करता है और एज एंटर करता है, तो मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है। तो इसके लिए सिंपली अब हमें प्रिंट कराने के लिए लिखना है प्रिंट। सबसे पहले तो हम उसका वेलकम करेंगे यूज़र का, उसका हमने वेलकम किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को उसका नेम ऐड करना है वेरिएबल का जिसमें वो अपना नेम एंटर करेगा। तो वेरिएबल नेम है नेम। अब फिर मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया। अब यूज़र मेरे से मोबाइल नंबर जो उसने एंटर किया है मुझे वो भी शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा योर मोबाइल नंबर इज। मैंने क्या किया, अब उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया, लेकिन अभी मैंने उसका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसका वेरिएबल है MOB। अब मुझे क्या करना है, उस यूज़र का एज जो इनपुट ली थी मैंने उसको जानना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं योर एज इज, जो भी एंटर करेगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे को उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज का, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया। इतना करने के बाद मेरे को कर देना है फाइल को सेव। अब हम देखेंगे कि इसका इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। सिंपली मैं रन में जाता हूँ और इसको कर देता हूँ रन। इनवैलिड सिंटैक्स बताया इसने, मैं यहाँ पे एज का वेरिएबल ऐड करना भूल गया। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है, कंट्रोल एस दोबारा सेव किया और रन में जाके दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ शिवम सिंह। अब ये मेरे से पूछ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अभी मेरे से पूछा है व्हाट इज़ योर एज, तो मैं यहाँ पे अपनी एज डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे देखिए उसने मेरे को वेलकम किया, पहले वेलकम शिवम सिंह, योर मोबाइल नंबर इज़ इतना एंड योर एज इज 24। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम ने मेरे को जो है आउटपुट दिया है। आप चाहे तो इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं, जिससे जो है आपको प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिले। इसको मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, तो
तो यहाँ पे स्पेस जो है दिखने लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़र से जो है इनपुट जो है ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इनपुट लिखना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से इसको इनपुट को हटा दूँ, हर चीज़ सेम रहने दूँ और इनपुट को हटा दूँ, तो सिंपली जो है जो जो मैं यहाँ टाइप करूँगा, यानी जो यहाँ लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, जो मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखी हुई है वही स्ट्रिंग टाइप कर देगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ से इनपुट हटा देता हूँ, ठीक है, और देखिए मैंने जो जो लिखा हुआ है ना उसी को वो प्रिंट करा देगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, जो भी स्ट्रिंग है उसकी वही स्ट्रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर इज़, एंटर योर मोबाइल नंबर। तो उसने जो स्ट्रिंग मैंने वहाँ टाइप की हुई थी ना फ्रेंड्स, वही की वही स्ट्रिंग जो है उसने एंटर कर दी है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।